أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم هزرات أو خواتين اسلام माह रमज़ान की इन मुबारक सतों में ये महज अल्लाह तबारक वाली का फजलो करम ही था कि हमने खैरन्नास केनवान से एक तवील सिलसिला मुसलसल सुना और आज इस सिलसिले का आखिरी दर्स आपके सामने पेश करने जा रहा हो हमने पूरे रमज़ान में ऐसे बहुत सारे लोगों का तजकरा सुना जो वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनको नबी अलैहि आ सलात सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से लोगों में सबसे बेहतर होने का तमग़ा अता फ़रमाया एज़ा फरमाया है और इस तस्करे के बाद हालांकि अभी ऐसे कुछ लोगों की फहरस्त बाकी है लेकिन हमने रमज़ान की मुनासबत से इस सिलसिले को रोक कर कल के दरस में हमने इस पहलू पर बात की कि इस तवील सिलसिले को सुनने का मकसद क्या था या मकासद क्या होने चाहिए इनको सुनने का फ़ायदा क्या था या इनका फ़ायदा क्या होना चाहिए कल मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि हम इसके मकासद या इसके फ़वाद में से दस फवाद का तस्करा करेंगे जिनमें से पांच का तस्करा कल के दरस में मैंने आपके सामने कर दिया था आज बक पांच पाँच का तस्करा आपके सामने करने जा रहा हो खैरन्नास के इस सिलसिले को सुनने का छठा फ़ायदा और आज के हिसाब से पहला फायदा ये है कि हमें ये सीख मिलती है कि मुआशरे में अगर ऐसे कहीं लोग नजर आए जिनको नबी अलैहि आ सलाम ने खैरन्नास कहा है तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए देखिए एक बात याद रखिए नेकी से मोहब्बत और नेक लोगों से मोहब्बत ये ईमान का लाजिमी तकाजा है नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने नेक ने लोगों से मोहब्बत का खुसूसी हुक्म हम और आपको दिया है कि नेक लोगों से हमें मोहब्बत करनी चाहिए हमारे समाज का एक अलमिया ये है कि एक तरफ हम नेकी नहीं करते तो दूसरी तरफ नेक लोगों से मोहब्बत भी हम नहीं करते उनकी कदर नहीं करते उनका एहतराम नहीं करते समाज में उनका वजूद अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का खैर बरकत का सबब बनता है लेकिन इसके बावजूद हम ऐसे नेक लोगों की कदर नहीं करते खैरन्नास के सिलसिले को सुनने का एक फ़ायदा ये भी होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के कदरदान बने ऐसे लोगों की कदर करने वाले बने कि इनकी वजह से समाज में खैर बाकी है और इनकी वजह से अल्लाह ताला की रहमतें और बरकते समाज के अंदर नाजिल होती हैं आप जरा सोचें जिनको अल्लाह ताला तैर कहे जिनको नबी नबीरात खैरनास कहें क्या वो इसके मुस्तक नहीं है कि हम अपनी जबान से चाहे वह ज़बान काल हो के जबान हाल हो वो हमारी जबान से हमारे सलूक से सबसे बेहतर कहलाने के मुस्तक नहीं है हम उनके हक में उनकी कदर करने वाले और उनके साथ बेहतर मामला करने वाले लोग बने खैरन्नास के सिलसिले को सुनने का ये भी हम और आपको फ़ायदा मिलना चाहिए खैरन्नास के सिलसिले को सुनने का सातवां फ़ायदा ये है और आज के हिसाब से दूसरा फायदा ये है कि हमें ये सीख मिलती है कि माशरे में दोस्ती के लायक कौन लोग होते हैं हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए कैसे लोगों से ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए तरबियत के बाब में एक बड़ा अहम मसला ये है कि इंसान माशरत पसंद हैवान है इंसान मेल जोल पसंद करता है तो मिलना उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है लेकिन कैसे लोगों से मिलना चाहिए कैसे लोगों से मिलने में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए ये बसा औकात लोगों को पता नहीं चल पाता खैर उन्नास के इस सिलसिले को सुनने के बाद हमारे सामने कम से कम ऐसी एक तवील फहरिस्त आ गई है जो लोग हमारी दोस्ती के लायक हैं या जिनकी दोस्ती हमारी खुशनसीबी है ऐसे दोस्त अगर मेरे और आपके बन जाए ऐसी सहेलियां हमारी खवतिन को नसीब हो जाएँ तो इसका मतलब यह हुआ कि उनकी दुनिया भी बड़ी शादोआबाद होगी और आखिरत भी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होगी नार होगी के सिलसिले को सुनने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि दोस्ती किससे की जानी चाहिए कैसे लोगों की दोस्ती मुफीद होती है समाज में कैसे लोगों की सहबत और साथ हमारे हक़ में बेहतर है यह हम और आपको सीख मिलती है मजीद में अल्लाह तबारक ने नबी सलाम को भी ऐसे ही नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया अल्लाह ने तो ये सातवां फ़ायदा है या आज के दर्स के हिसाब से दूसरा फायदा है कि हमें यह पता चलता है कि हमें कैसे लोगों को अपनी दोस्ती के काबिल समझना चाहिए या कैसे लोगों की सोहबत और दोस्ती पर हम और आपको फख्र होना चाहिए और कैसे लोगों की दोस्ती की हिफाजत करनी चाहिए और कैसे लोगों को दोस्ती के लिए मुंतखब करना चाहिए ये सीख भी हम और आपको मिलती है खैरनास के सिलसिले को सुनने का आठवां फायदा यह हम और आपको मिलता है कि बसा औकात ऐसा होता है कि अल्लाह की तोफ़ी से हम कोई बड़ी नेकी करते हैं तो नफ्स कहीं मुतमैन हो जाता है कि चलो हम बहुत बड़ी नेकी करने वाले मिसाल के तौर पर अहले सरवत हैं अहले सरवत एक काम ये करते हैं कि अल्लाह के राम में खर्च करते हैं यकीनन बहुत बड़ी नेकी है वो मतम हो जाते हैं कि हम एक बहुत बड़ा खैर का काम कर रहे हैं कोई इल्म वाला है वह समझता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचा रहा हूं वह अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचाने में मगन और मुतमईन है कोई आदमी अखलाक के अतबार से बड़े अच्छे अखलाक का मालिक है वो सोचता है कि मैं अच्छे अखलाक का मालिक हूं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं खैर के सिलसिले को सुनने का फ़ायदा ये मिलता है कि हमें पता चलता है कि अच्छा काम सिर्फ वो एक ही नहीं जो मैं कर रहा हूं यहां तो एक तवील फहरिस्त है मुझे फहरिस्त के हर अच्छे काम को करके अल्लाह के पास अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए और अगर मैं पूरे काम करके सबसे अच्छा इंसान नहीं बन सकता तो कम से कम फहरिस्त में जितने ज्यादा अच्छे काम मैं पूरे कर सकता हूं कर सकूं खैर के सिलसिले को सुनने का आठवां या आज के दर्श के हिसाब से तीसरा बड़ा फायदा हम और आपको यह मिलता है कि हम किसी एक बड़ी नेकी पे बस ना करें हम किसी एक बड़े अच्छे काम पे बस ना करें बल्कि यके बात दी गरे, अच्छे से अच्छे बड़े से और बड़े और एक जैसे कई बड़े कामों को करने वाले बने किसी एक काम पर बस करके बस करके रुक जाने वाले ना बने मुतमिन ना हो जाएं अक्सर होता है कभी हमने किसी दर्स में किसी अमल की फजीलत सुन ली वो अमल इस क़दर ज्यादा हमें भा जाता है पसंद आता है कि हम तय कर लेते अपनी ज़िंदगी में मैं ये जरूर करके रहूंगा ये अच्छी बात है लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इंसान का नफ्स मतमईन भी हो जाता है कि चलो एक बड़ी नेकी मैं कर रहा हूं हूँ खैरुन्नास के सिलसिले का ये फायदा है कि वो जो बस कर लेने वाली जो गलती हमसे हो सकती है खैरन्नास की ये फहरिस्त हमें याद दिलाती है कि नहीं यहां बस नहीं करना है यह भी नेकी करनी है वो भी नेकी करनी है तीसरी भी करनी है चौथी भी करनी है हमें किसी एक बड़ी नेकी अच्छी नेकी पे बस करने से रोक बस करने से यह फहरिस्त रोक देती है हम और आपको खैर में आगे से आगे बढ़ने की तरगीब दिलाने का सबब यह फहरिस्त बनती है खैर का यह जो सिलसिला हमने सुना उसका नौवां फायदा और आज के दर्श में जिक्र किया जाने वाला चौथा फायदा यह है कि यह फैर हम और आपको नेकी के गुरूर से बचने में मदद देती है ऐसा होता है जब अल्लाह के नबी ने नास कहा है तो आदमी कहीं ना कहीं हो सकता है नेकी के गुरूर में मुब्तला हो जाए नेकी का गुरूर इंसान के अंदर आ जाए मैं वो हूं कि मेरे अंदर फुला नेकी है मैं उसने अखलाक का पाबंद हूं मैं जो है बहुत इल्माला हूं मैं बहुत मालो दौलत खर्च करता हूं मैं अपनी बीवी के साथ बड़ा अच्छा सलूक करता हूं मैं अपने शोहर की बड़ी फरमा बरदार हूं खैर उन्नास की फहरिश की एक एक नेकी को देख कर आदमी इतरा भी सकता है और आप जानते नकी पे गुरूर नेकी को मिट्टी में मिला देता है नेकी पे गुरूर इंसान को सरकश बना देता है नेकी पे गुरूर इंसान को महरूम इंसानों की फहरिस में ढकेल देता है खैरन्नास की इस फहरिस्त को पढ़ने का फायदा होता है सुनने का फायदा ये होता है कि कल तक अगर मैं अपनी नेकी पे खुश था कि मैं खैर उन्नास हूँ तो आज मेरी गर्दन झुक जाती है कि यहाँ तो बड़ी लंबी फहरिस्त है मैं इस मैदान का शहसवार हूँ तो मेरा भाई किसी और मैदान का शह हूं है मैं अगर इस मैदान में आगे हूं तो मेरा कोई और भाई किसी और नेकी में मुझ पर सबकत रखता है और मेरे अंदर चार खूबियां हैं खैर उन्नास बनने की हो सकता है कोई भाई दस खूबियां अपने अंदर रखता हो ये खैर उन्नास की फहरिस्त मेरे और आपके सामने ये नेकी की नेकी पे गुरूर करने की जो गलती है उस गलती से रुकने में साबित होती है और ऐसी गलती ऐसी हिमाकत करने से हम और आप को बाज रखने में मुआविन साबित होती है ये नवा फ़ायदा है और आज के दर्स का चौथा फ़ायदा है कि हम और आप खैरन्नास के सिलसिले को फ़ायदे को सुन रहे हैं तो ये फ़ायदा भी हम और आपकी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए और खैरानन्नास के सिलसिले का आखिरी फ़ायदा जो मैं आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूं वो ये कि इस सिलसिले को सुनने के बाद अगर हम इसको अपना लेंगे हम यकीनन अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाएंगे आप सोचें नबी अलीसम ने जैसे खैरुन्नास कहा सबसे अच्छे कहा वो नेकियां करने वाले के अल्लाह के सबसे महबूब बंदे नहीं बन जाएंगे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम अल्लाह के हो जाएंगे हम अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे और नबी अलीसलाम ने हदीस कुदसी में ये बात बयान फरमाई है अल्लाह ताला ने फरमाया, बंदा मेरी तरफ चल कर आता है मैं दौड़ कर आता हूँ वो एक बालिश आता है मैं एक हाथ आता हूँ अल्लाह तबारक ने बंदे के बारे में ये कहा है खैरनास की इस फहरिस को पढ़ने के बाद अगर हम सबकत ले जाने की कोशिश करें हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम दो कदम आगे बढ़ेंगे हदीस के अल्फाज में अगर देखें तो हम एक बालिश आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला एक हाथ हमारी तरफ आएगा ये सबसे बड़ा फायदा यही तो जिंदगी का मकसद है यही तो जिंदगी का हासिल है यही तो हमारी और आपकी कामयाबी है यही तो मेरा और आपका सबसे बड़ा कमाल है यही तो मेरा और आपका सबसे, तो आप सबसे बड़ा कारनामा है यही तो जिंदगी की सारी मेहनत और जिद्दोजहद का खुलासा है यही तो रमज़ान का मकसद है यही तो हमारे रोज़ों का हमारे क्याम का हासिल है यही तो कुरान मजीद की तिलावत का असर है यही तो हमारी सारी नेकियों का हासिल है यही तो हमारी और आपकी जिंदगी में हम और आपको करना है हाजी गिरामी ये सबसे अजीम मकसद भी हम और आपको इस खैर के सिलसिले को सुनने के बाद हासिल होगा ये दसवां और आज के दर्स के सिलसिले का आखिरी फा पाँचवा फायदा है और यूं समझिए कि इसको इस जिक्र करने के साथ हमने खैरन्नास का सिलसिला जो शुरू किया था वह अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है हाजी ने गिरामी मैं अपनी गुफ्तगु खत्म करने से पहले आप सभी से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा हमारा मामला पुराने जमाने के लोगों के मुकाबले में कदरे मुख्तलफ है हमारी अपनी दो या तीन पुश्तों पहले अगर हम देखें इल्म कम था, अमल था इसीलिए उनकी जिंदगी में बरकत बहुत ज्यादा थी आज हमारी जिंदगी में इल्म बहुत आया है हमने पूरे महीने कितना कुछ नहीं सुना है अगर ये इल्म अमल में न बदले तो हमारी जिंदगी भी बरकत से खाली होंगी और अगर हम इस इल्म को अमल में बदलने में कामयाब हो गए बाब बरकत जिंदगी हमें मिलेगी दुनिया बाबरकत होगी आखिरत बाबरकत होगी अल्लाह ताला की तरफ से खैर ही खैर मेरी और आपकी जिंदगी में होगा शर हमारी जिंदगी से खत्म होता चला जाएगा दुनिया में हम कामयाब होंगे आखिरत में हम और आप कामयाबी से हम किनार होंगे अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आपको जो कुछ हमने कहा सुना पढ़ा पढ़ाया है अल्लाह ताला हम और आपको इस सब पर अमल करने वाला मुसलमान बनाए और इन बातों से हम सबको मुस्तफीद फरमाए माह रमज़ान में हमने जो भी नकियाँ की हैं अल्लाह ताला अपने फ़द्लो करम से कबूल फरमाए और हमने जो भी गलतियाँ की हैं कोताँ की हैं अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमा दे और इस महीने में जिन खुश नसीबों को अल्लाह ताला ने जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता किया है हम सब सुनने वालों को मुझ बोलने वाले को सबको अल्लाह ताला उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए इस रमदान को अल्लाह ताला एक कामयाब रमदान बनाए हमारे हक में गवाह बनाए हमारे खिलाफ इसे गवाह ना बनाए अल्लाह ताली हमसे राज़ी हो जाए अल्लाह हमारी दुनिया में हमारा वाली मौला हो जाए हमारी आखिरत का ज़िम्मेदार हो जाए आमीन व आखिर रब्बिल दावानादिल् रबालमी वालकम्मी वरहमु ला वर्क